नमस्कार, मैं अश्वानी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। नहाए खाए के साथ चार दिवसीय महापर्व छठ शुरू। स्कूलों के लिए तैयार हो रहा बहुभाषीय शब्दकोश। ऋषि सुनक के ब्रिटेन का पीएम बनने पर बिहार की खुशी दुगनी। छठ घाटों पर 600 मजिस्ट्रेट और 3500 जवान तैनात। सूर्य कुमार यादव ने 51 रन की पारी खेलकर बनाए दो नायाब रिकॉर्ड। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। नहाए खाए के साथ चार दिवसीय महापर्व छठ शुरू। छठ महापर्व का चार दिवसीय अनुष्ठान कार्तिक शुक्ल चतुर्थी की शुरुआत शुक्रवार यानी कि आज से नहाए खाए के साथ शुरू हो गया है, जिसके बाद कल यानी कि 29 अक्टूबर को खरना किया जाएगा। वहीं 30 अक्टूबर को डूबते सूर्य को सभी व्रती के द्वारा अर्घ दिया जाएगा और इसके अगले दिन यानी कि 31 अक्टूबर को उगते सूर्य को अर्घ देते हुए इस छठ महाव्रत की समाप्ति होगी। बता दें कि इस व्रत को सभी लोग इस मनोकामना से करते हैं कि उन्हें सूर्यदेव से आयु, आरोग्यता, यश, संपदा का आशीर्वाद मिले। ऋषि सुनक के ब्रिटेन का पीएम बनने पर बिहार की खुशी दोगुनी। भारतीय मूल के ऋषि सुनक के ब्रिटेन का पीएम बनने पर बिहार की खुशी दोगुनी हो गई है। बता दें कि ऋषि सुनक की टीम में सिवान जिले के प्रज्वल के चुनावी रणनीति निर्धारण में अहम भूमिका रही है। प्रज्वल ऋषि सुनक के वरिष्ठ नीति सलाहकारों के साथ काम कर रहे थे और चुनाव अभियान के दौरान नियमित रूप से सांसद, मंत्री और ऋषि सुनक के संपर्क में रहे थे। बताते चले कि प्रज्वल ने 16 साल की उम्र में कंजर्वेटिव पार्टी ज्वाइन किया था। छठ महापर्व की मुख्यमंत्री ने दी बधाई। देश में छठ पूजा की शुरुआत होने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्विटर से देशवासियों को छठ की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने संदेश देते हुए कहा कि लोक आस्था का यह महापर्व आत्मानुशासन का पर्व है, जिसमें लोग आत्मिक शुद्धि और निर्मल मन, अस्ताचल और उदयमान भगवान सूर्य को अर्घ अर्पित करते हैं। बता दें कि इस पर्व की शुरुआत आज यानी 28 अक्टूबर से ही है, जो कि 31 अक्टूबर को समाप्त हो जाएगा। स्कूलों के लिए तैयार हो रहा बहुभाषीय शब्दकोश। स्कूलों के लिए तैयार हो रहा बहुभाषीय शब्दकोश। बिहार की नई शिक्षा नीति के तहत बिहार में क्षेत्रीय भाषाओं में कक्षा 1 से +2 तक की पढ़ाई के लिए बहुभाषीय शब्दकोश तैयार किया जा रहा है, जिसके लिए विशेष रूप से SCERT को दिशा निर्देश दिया गया है। इस कवायद के पीछे का मकसद क्षेत्रीय बोलियों में पढ़ाते समझाते छात्रों को मुख्य धारा में लेना है, ताकि उच्च शिक्षा में वह भाषा आधारित पिछड़ेपन का शिकार ना हो। बता दें कि इस शब्दकोश में किसी विषय को मातृभाषा में उच्चारण वाले शब्द और उससे संबंधित अंग्रेजी हिंदी के शब्द शामिल किए जाएंगे। इसके साथ ही एक विशेष रिसोर्स मटेरियल भी बनाया जाएगा, जो कि केवल शिक्षकों को दी जाएगी। बिहार के 5 DSP पर एक्शन। बिहार में DSP रैंक के 5 अधिकारियों के ऊपर ड्यूटी में लापरवाही बरतने का आरोप है, जिसके बाद उन पर सरकार के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। हालांकि इन सभी DSP के ऊपर वेतन वृद्धि पर रोक और आर्थिक दंड से जुड़ा एक्शन लिया गया है। जिन अधिकारियों के ऊपर एक्शन लिया गया है उनमें पटोरी के तत्कालीन SDPO विजय कुमार, तत्कालीन SDPO सुधीर कुमार, बघार के SDPO रहे संजीव कुमार और जहानाबाद के SDPO रहे अशफाक अंसारी, दलसिंह सराय के तत्कालीन SDPO राम सागर शर्मा शामिल है। सुशील मोदी के आग्रह पर 14 और छठ स्पेशल ट्रेन। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा बिहार सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी के आग्रह पर 14 और छठ स्पेशल ट्रेनें चलवाई जा रही हैं, जिसके बाद अब छठ के मौके पर चलने वाली छठ स्पेशल ट्रेनों की संख्या अब 138 हो गई है। यह छठ स्पेशल ट्रेन यात्रियों को राहत पहुंचाने के लिए अप एंड डाउन में कुल 558 फेरे लगाएंगी। इसके साथ ही यह पहली बार होगा जब राजधानी एक्सप्रेस भी छठ स्पेशल के रूप में 6 अप डाउन ट्रिप लगाएगी। DPO ने 3 आंगनबाड़ी सेविका को किया चयन मुक्त। ICDS DPO ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 164 और 165 और चिरैया परियोजना केंद्र संख्या 296 की 3 आंगनबाड़ी सेविका को चयन मुक्त करते हुए राशि रिकवरी का आदेश दिया है। यह सभी आंगनबाड़ी सेविका फर्जी प्रमाण पत्र पर चयनित की गई थी। वहीं DPO ने मेघा सूची में दूसरे स्थान पर रहे अभ्यर्थी को 5 दिनों के अंदर चयन पत्र देने का आदेश CDPO को दिया है, जिसके बाद फर्जी प्रमाण पत्र और कार्यरत सेविकाओं में हड़कंप मचा हुआ है। बिहार में छठ के दौरान कैसा रहेगा मौसम। बिहार के मौसम में अब बदलाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में छठ महापर्व के दौरान उत्तर पूर्व क्षेत्र में हल्के कोहरे की आशंका है। वहीं 30 और 31 अक्टूबर को मौसम शुष्क और आसमान साफ दिख सकता है। अगर 30 अक्टूबर के तापमान की बात करें तो उस दिन तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। साथ ही 31 अक्टूबर को न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री हो सकता है।
कोलकाता स्थित पोजिशनल एस्ट्रोनॉमी सेंटर की जानकारी के मुताबिक बिहार में 30 अक्टूबर को सूर्यास्त का समय 4:58 से 5:17 और 31 अक्टूबर को सूर्योदय का समय सुबह 5:46 से 6:02 के बीच होगा। फाइलों में उलझ गया रोड एक्सीडेंट का मुआवजा। परिवहन विभाग की ओर से सड़क हादसे में मारे गए लोगों में से 10% लोग के परिजनों को अब तक मुआवजा उपलब्ध नहीं कराया जा सका है। बता दें कि अब तक 7,000 से अधिक लोग की जान जा चुकी है, लेकिन सरकार की ओर से घोषित 5 लाख का मुआवजा मात्र 662 लोगों को ही मिल सका है। बताते चले कि सबसे अधिक भोजपुर के 61 परिवारों को 5-5 लाख रुपए की सहायता दी गई है। दूसरे स्थान पर नालंदा और तीसरे स्थान पर समस्तीपुर जिला शामिल है, जहां 54 और 47 मृतक के परिजनों को सहायता सरकार की ओर से मिल सकी है। छठ घाटों पर 600 मजिस्ट्रेट और 3500 जवान तैनात। पटना के छठ घाटों की सुरक्षा को लेकर गंगा नदी घाटों और चुनी तालाबों पर लगभग 600 मजिस्ट्रेट और 3000 से अधिक पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस कर्मियों की तैनाती 30 अक्टूबर को की जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार गंगा के किनारे सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था को देखते हुए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिसकी निगरानी गांधी मैदान स्थित नियंत्रण कक्ष से की जाएगी। वहीं 29, 30 और 31 अक्टूबर को NDRF और SDRF की टीम गंगा में भ्रमण करेगी और साथ ही शहर में पुलिस पेट्रोलिंग की भी 3 दिन नियमित रूप से कराई जाएगी। डीजीपी को फर्जी फोन करने वाले की तलाश तेज। बिहार के डीजीपी एसके सिंघल को फर्जी चीफ जस्टिस बनकर कॉल कराने के मामले में फंसे गया के पूर्व एसएसपी आदित्य कुमार फरार हैं। ऐसे में उन्हें पटना से लेकर यूपी तक के शहरों में तलाश किया जा रहा है। इसके साथ ही आईपीएस आदित्य कुमार से जुड़े पुराने फाइल्स को भी देखा जा रहा है। साथ ही अब न पुलिस कर्मियों की भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं जो आदित्य कुमार के साथ रहते थे या उनसे उनका कुछ संबंध था। बता दें कि आदित्य कुमार शराब के मामले में फंसे थे, जिसके बाद उन्होंने अपने दोस्त की मदद से फर्जी जज बनकर डीजीपी को कॉल किया था। इस घटना के बाद ही उनसे जुड़ा इस मामले का पर्दाफाश हुआ है। अभी बिहार नहीं आएंगे लालू यादव। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव किडनी की बीमारी के इलाज के सिलसिले में सिंगापुर गए थे, जिसके बाद वह दिल्ली लौट आए हैं, लेकिन फिलहाल उनके पटना आने की संभावना नहीं है। ऐसे में लालू यादव की तबीयत खराब होने से और साथ ही राबड़ी देवी का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, जिस वजह से इस साल राबड़ी देवी छठ व्रत नहीं करेंगी। वहीं यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि लालू यादव एक बार फिर सिंगापुर जा सकते हैं, हालांकि अभी इसके लिए कोई कोर्ट से प्रार्थना नहीं की गई है। एलन मस्क ने खरीद लिया ट्विटर। दुनिया के सबसे अमीर एलन मस्क ने सोशल मीडिया साइट ट्विटर को खरीद लिया है, जिसके बाद मस्क ने ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल के साथ दो अन्य बड़े अधिकारी पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी अकाउंट्स की संख्या को लेकर उन्हें और ट्विटर इन्वेस्टर्स को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए हटा दिया है। इसके साथ ही एलन मस्क ने संकेत दिया कि आगे चलकर ट्विटर की एड पॉलिसी में भी बदलाव किया जाएगा। सूर्य कुमार यादव ने 51 रन की पारी खेलकर बनाए दो नायाब रिकॉर्ड। T20 कप 2022 में नीदरलैंड के खिलाफ खेले गए मैच में सूर्य कुमार यादव ने बल्ले से जमकर रन उन्होंने पहली पारी की आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया, जिसके बाद उन्हें उनकी शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। बता दें कि T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के लिए एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा 8 बार 50 या 50 प्लस स्कोर बनाने के मामले में सूर्य कुमार यादव अब नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं। इसके साथ ही वो दुनिया के पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए जिन्होंने एक कैलेंडर वर्ष में 5 बार 50 प्लस स्कोर 200 की ज्यादा की स्ट्राइक रेट से बनाया है। बिहार में आज पेट्रोल डीजल का रेट। बिहार में शुक्रवार यानी कि आज पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए, जिसके बाद बिहार के 16 जिलों में तेल के दाम बढ़ा दिए गए हैं, तो 21 जिलों में पेट्रोल डीजल के दाम कम हो गए। राजधानी पटना में पेट्रोल डीजल के दाम में कमी आई है और यहाँ पेट्रोल के दाम में 64 पैसे और डीजल के दाम में 60 पैसे प्रति लीटर की कमी की गई है। वहीं सबसे ज्यादा बढ़त सारण जिले में हुई है, यहाँ पेट्रोल की कीमत में 42 पैसे और डीजल के दाम 39 पैसे की गिरावट दर्ज की गई है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है नूनू कुमार, बाबूलाल मरांडी, गोलू कुमार, सुनील कुमार, रविशंकर, शंकर मुखिया, उमेश ऋषिदेव, मुटु रंगेला, कविता कुमारी, सिफोन कुमार, सदुल्लाह पालवी, अनवर करीम खान। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके अनुसार स्कूलों में क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई से क्या परिवर्तन देखने को मिल सकेगा। अपना जवाब है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।